सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत सारे इवेंट करा के पूरे परिवार को एक प्रोत्साहन और एक पॉजिटिव विचारों में बांध के रखा। उसमें दामाद वाला इवेंट, जिसमें दामाद अपने सासू माँ के लिए भावना को व्यक्त करें, ये बहुत ही स्पेशल इवेंट हो गया है। दामाद को बोलने का अधिकार है, ये आज साबित हो गया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि दामाद बस सुने, अच्छे लिसनर बन जाए, लेकिन इस इवेंट से कुछ बोलने का, अपनी भावनाओं को बताने का बहुत अच्छा मौका दिया है। तो मैं फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अब मैं चार लाइन के द्वारा अपनी सासू माँ के लिए कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। निज रक्त से सींच कर, निज रक्त से सींच कर, जिस पुष्प का सर्जन किया, बिन मोह के दान कर हमें उस पुष्प को अर्पण किया। निस्वार्थ होकर दे हमें, मेरे जीवन का आधार बनाया, रिक्त कर निज आंगन, निज पुष्प से मेरा घर सजाया। मेरी धर्म पत्नी स्वाति जी की मां शशि जी को मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूं, जिन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी उपाधि दी दामाद बनने की। एक माँ ने मुझे जिंदगी दी और दूसरी माँ सासू माँ ने जिंदगी को जिंदगी, ये सुपर फिलॉसफी आ गई। एक जिंदगी, जिंदगी का जिंदगी, सुपर फिलॉसफी हो गई। ये तो कुंडली में भी मेरा घर पहला है और सामने वाला शत्रु का घर मेरी धर्म पत्नी का है, और वहां पे एक नई जिंदगी किसने दी? सासू माँ। तो उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूं और अपनी भावनाओं को मैं कुछ कविताओं के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। जन्म दिया मेरी माँ ने, तो जीवन साथी दिया सासू माँ ने। बहुत ही स्पेशल और स्पष्ट भाषा है। परवरिश माँ ने किया, तो नया घर आंगन किसने दिया? सासू माँ ने। संस्कार दिए माँ ने, तो संस्कारों से परिवार चलाना किसने सिखाया? सासू माँ। ना समझ थे समझदार बनाया किसने? मेरी माँ ने। ना समझ थे समझदार बनाया मेरी माँ। तो समझदारी में ना समझी ना करें, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि समझदार तो माँ ने बनाया, पर समझदारी में ना समझी ना करें, ये गुर किसने सिखाया? बेसन के लड्डू बना बना के, ये हमारी सासू माँ ने समझाया। निश्चित ही बचपन में हर कमी को पूरा किया मेरी माँ ने। जब भी मैं जिद करता था, जब भी मैं ना समझी करता था, तो भी मेरे पूरे डिमांड कंप्लीट होती थी। अब ससुराल में इस चीज को पूरा करने की शक्ति केवल और केवल किसमें है? सासू माँ में। तो मैं खुश नसीब हूं कि मुझे एक तराजू में माँ
और दूसरे तराजू में मेरी सासू माँ मिली। तो मैं एक बार और धन्यवाद करता हूँ ऑर्गेनाइजर को, जिन्होंने इस भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुअवसर दिया। और सासू माँ को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे अपने इस अवसर में खरा उतरने के लिए एक कमिटमेंट दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।